अकस्मात मुश्किलें कलयुग की पल पल तुझको समझाएगी, तेरे जिदीपन को देखकर जीवन पथ से हट जाएगी, जीवन पथ से हट जाएगी। धैर्य साहस तप मनोबल से चट्टान या ऊर्जावान बनो, परिस्थितियों से लड़ लड़कर सफलता का निशान बनो। नमस्कार, मैं पत्रकार धर्मेंद्र कुमार कश्यप द स्टूडेंट सिविल अकोमोडेशन में समस्त दर्शकों और श्रोतागणों को हार्दिक स्वागत करता हूँ। निर्धन मेधावी छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर, मुखर्जी नगर नजदीकी क्षेत्र गोपालपुर में न्यूनतम दर पर बेहतर गुणवत्ता वाली रूम उपलब्ध करवाई जाती है। तो ग्रामीण पृष्ठभूमि के कुछ ऐसे छात्र हैं जिनकी घर की आर्थिक स्थिति अत्यंत ही दयनीय है, तो उनके लिए सबसे अच्छा सुनहरा अवसर यह है कि आप मुखर्जी नगर के नज़दीकी क्षेत्र गोपालपुर में आकर के न्यूनतम दर पर आप रूम में रह सकते हो, अपना इफर्ट कर सकते हो। आपको हम कुछ रूम दिखाएंगे जो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए एक बेहतर विकल्प होगा। यहाँ पे बहुत सारे रूम ऐसे हैं जो अभी लॉक हैं, तो जो रूम आपको लॉक दिखाई दे रहा वो बच्चे कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में स्टडी करने के लिए गए हैं। पास ही में एक लाइब्रेरी है, मेट्रो लाइब्रेरी, जो काफ़ी बेहतर है। और यहाँ पे एक रूम खुला है जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एक भाई रहते हैं जो UPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ पे 2 वर्षों से रह रहे हैं। और यहाँ पे एक रैक है, रैक में ये मतलब कुछ बुक्स रखे गए हैं जो UPSC के बुक हैं। यहाँ पे एक ऊपर स्लैब है जहाँ पे बहुत सारे सामान रखे गए हैं, और ये भाई का स्टडी टेबल है जहाँ पे अभी बैग रखी हुई है, भाई लाइब्रेरी जाने वाले हैं। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे होंगे एक चेयर है, और यहाँ पे एक कूलर है। इस रूम की फैसिलिटी की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक पंखा, और आपके बगल में ही एक खिड़की है जो काफ़ी बेहतर है। एक अन्य रूम में प्रवेश कर रहा हूँ तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे भाई के स्टडी मटेरियल है, ये भाई दृष्टि IAS में एडमिशन लिए हैं। तो स्टडी टेबल के बगल में एक चेयर रखा हुआ है, साथ में यहाँ पे खाना बनाने की सारी सामग्री उपलब्ध है, जैसा कि एक सिलेंडर है, यहाँ पे कुछ सब्जियाँ रखी गई है, और ये रहा कुछ बर्तन, ये कुकर, और सिलेंडर के साथ ही जुड़े हुए एक चूल्हा है। अब मैं एक दूसरे रूम में प्रवेश कर रहा हूँ और यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे कि इस रूम में क्या क्या फैसिलिटी है और सारे सामान का एडजस्टमेंट किस प्रकार से किया गया है। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक स्टडी टेबल रखा गया है, और स्टडी टेबल पे कुछ बुक्स हैं, ये राकेश यादव के अर्थमेटिक बुक्स है, उसका क्लास नोट्स। और यहाँ पे एक बेड है, और देख रहे हो कि अलमीरा पे कुछ बुक्स रखे गए हैं, और इसके ऊपर एक स्लैब है, और स्लैब पे एक पुरानी सिलेंडर रखा गया है। पे भाई अपने कपड़े टांग रखे हैं, और यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक बाल्टी रखी गई है, और बाल्टी में पानी, और साथ में मतलब एक यहाँ पे देख रहे होंगे मतलब मटकी रखी गई है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि लॉज में पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं करवाई जाती है, इसलिए बच्चे ज़्यादातर लॉज के बाहर से पानी मंगवाते हैं। ये 20 लीटर का मतलब बोतल है, और इसको आपको 20 रुपया देना पड़ता है। और साथ में ही यहाँ पे भाई का एक सिलेंडर है, और सिलेंडर के साथ एडजस्ट चूल्हा, और यहाँ पे देख रहे होंगे एक कुकर, एक कढ़ाई, और कुछ अन्य बर्तन रखे गए हैं। जिस फ्लोर का वीडियो बना रहा हूँ उसका एक कॉमन वाशरूम, और साथ ही जस्ट इसका अपोजिट में कॉमन वाशरूम है। तो अभी मैं बिल्डिंग के जस्ट नीचे उतरा हूँ, और जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे वाटर सप्लाई हो रहे हैं, और ये प्रत्येक बोतल 20 रुपये की है, और 20 लीटर की बोतल होती है। और जैसा कि भैया अभी वाटर सप्लाई कर रहे हैं तो इनसे भी कुछ पूछ लेते हैं। तो भैया आप क्या कहना चाहोगे, जो ये बोतल है 20 लीटर की बोतल है, और आपका क्या प्रोसेस है? 20 रुपये की पड़ती है एक कैन। अच्छा, एक कैन 20 रुपये की पड़ती है। आप मतलब किसी भी क्षेत्र में, गोपालपुर के किसी भी क्षेत्र में मतलब वहाँ तक पहुँचा दोगे? मतलब इतना ये थोड़ी ना है, वहाँ दूर दूर थोड़ी पहुँचा देंगे अपने। ये फर्स्ट फ्लोर पे पानी पहुँचाने का कितना लगता है भाई? थर्ड फ्लोर पे 20 रुपये, सेकंड फ्लोर पे 20 रुपये, तीसरे फ्लोर पे, चौथे फ्लोर पे 25 रुपये, चौथे फ्लोर पे जो है 30 रुपये।